दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे। अरे ये रोने की आवाज कहां से आ रही है? क्या हुआ बहन? बहन भाई की सहायता चाहती है। हुक्म करो बहन। मेरे बच्चे को पालने का जिम्मा ले लो। लेकिन तुम आई कहां से हो बहन? कहां से आई हूँ? भाई से बहन कुछ नहीं छिपाएगी, लेकिन बच्चे को शिकायत है तो अपने से, गिला है तो अपने से। एक बहुत बड़े रईस की पत्नी हूँ। अब तबीयत कैसी है? ओह, बुखार तो बहुत तेज है। मैं अभी डॉक्टर को फोन करता हूँ। हेलो भगवान। हेलो रमणी, दिल्ली से कब आए? अभी तो आ रहा हूँ, एरोप्लेन से सीधे यहाँ चला रहा हूँ मुकदमा जीत कर। मुबारक हो। थैंक यू। भाभी की तबीयत कैसी? तेरी भाभी की तबीयत तो कुछ वैसे ही है, अभी डॉक्टर को फोन करने जा रहा हूँ। अच्छा, तुम डॉक्टर को फोन करो, मैं भाभी से मिलता हूँ। अच्छा, हेलो, मैं हूँ बांकेलाल। हाँ जी, हाँ हाँ, मैं इनका घर पे ही। क्या कहा आपने? सिठानी जी की तबीयत बहुत खराब है। अच्छा अच्छा, हम लोग बड़े डॉक्टर को लेकर आ रहे हैं, आप घबराइए नहीं, मैंने कहा सब कुछ ठीक कर लेगी। हाँ जी, हम लोग आते हैं, अभी आते हैं। किसका फोन है चाचा जी? शेर भगवान दास का। तपेदिक की आखिरी स्टेज आन पहुंची है, अब क्या बचेगी? मुझे तो ऐसा जान पड़ता है मैंने कहा भगवान ने हमारी सुन ली। क्या मतलब? मतलब ये कि शेर भगवान दास की धर्म पत्नी जिंदगी की आखिरी घड़ियां गिन रही है, बस उसके बाद तुम। चाचा जी, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं क्या कह रहा हूँ, मैं तुम नहीं समझोगे, तुम अभी बच्ची हो। अरे हाँ, उन्होंने शेर जी ने कहा था कि आते हुए किसी बड़े से डॉक्टर को भी साथ ले आना। मैं अभी फोन करती हूँ। डॉक्टर, ये एक्सरे है। ये कैडियोग्राम। और ये दूसरी रिपोर्ट। बच्चे को यहां से उठा लीजिए, इसे यहां से ले जाइए।
दोनों फेफड़ों पर असर हो चुका। बच्चे को माँ का दूध मत दीजिए और उसके रहने का अलग इंतजाम कर दीजिए। जी, बहुत अच्छा। थैंक यू डॉक्टर। उनका डॉक्टर बच्चे की देखभाल के लिए एक नर्स का बंदोबस्त कर दो। नहीं नहीं सेठ जी, डॉक्टर के घर में रहते भला नर्स की क्या जरूरत है, इसका सब देखभाल कर लिया करेगी और मैं भी इसका हाथ बता दिया करूंगा। मैंने कहा देखो सुनो भाई, मेरे तो बेहतरी इसलिए दिखती है कि हम दोनों कुछ दिनों के लिए यहीं आके ठहर जाए हैं। तुम अपनी डिस्पेंसरी के टाइम पे चली जाए करना और मैं इतनी देर के लिए बच्चे को संभाल दिया करूंगा। तो भाई हम चले, अब जरा टाइम कम है, सामान वगैरह लाना है यहाँ। अच्छा सेठ जी हम लोग अभी आते हैं, चलो अब। अच्छा डॉक्टर मेरे बेबी को मेरे पास ला और नजदीक। बस इतनी दूर से, वरना इसकी सेहत पर बुरा असर पड़ेगा। अब इसके सोने का वक्त है। अब कैसी हालत है तेरे मरीज की? हालत तो दिन ब दिन खराब होती जा रही है, भगवान इसकी मदद करेगा। भगवान तो जो कुछ करता है वो अच्छे के लिए करता है। मैं चाहता हूँ कि ये घर सदा के लिए तेरा हो जाए। ये आप क्या कह रहे हैं? यार तू नहीं समझती, लेकिन बांकेलाल बहुत दूर की सोचता है। भगवान दास की पत्नी है कुछ दिनों की मेहमान, उसके बाद तू इस घर की रानी बन जाएगी और मेरे सारे सपने पूरे हो जाएंगे। फिर रहेगी ये नन्ही सी कली, तो इसे मसलने में थोड़ी देर नहीं लगे। ऐसा चलो तुम चल के आराम कर लो, चलो। कौन के बच्चे को घर से निकाल दीजिए, बाकी लड़कों से घर से निकाल दीजिए। क्या कह रही है रुकमणी? तो मेरी माँ का इंतजार कर रहे हैं। खबरदार जो ऐसी बातें मुझसे निकाले, वो बेचारे तुम्हारी और मिलना की सेवा कर रहे हैं। किसी मिलने में कुछ बातें करते हुए सुना है। तुम्हारा तो दिमाग खराब हो गया, बीमारी ने तुझ पागल बना दिया। अगर वो घूमने फिरने की सेहत के लिए तो मैं कांकीलाल के लिए मेरे दिल में इतनी इज्जत है कि मैं ध्यान नहीं कर सकता। और फिर तुम्हें तो मुझसे ज्यादा उनका एहसानमंद होना चाहिए। वो बेचारे घर बार छोड़कर तुम्हारी सेवा कर रहे हैं। समझू फिर रहेगी ये नन्ही सी कली, तो इसे मसलने में थोड़ी देर नहीं लगे। मुखिया तुम्हारे कोई औलाद नहीं है, ले ले इस बच्चे को। हाँ हाँ मुखिया ले लो, ये भगवान की देन है। अच्छा बहन मैं तुम्हें वचन देता हूँ, तुम्हारे बच्चे को सीने से लगाकर रखूंगा, अपने बच्चे की तरह पालूंगा। धन्यवाद भाई, धन्यवाद भाई। एक विनती और है। हुक्म करो। राज किसी से न कहना। हम गीता पर हाथ रखकर बटन देते हैं, किसी से न कहेंगे। ये राज किसी से नहीं कहेंगे। भगवान
लक्ष्मी, अरे वो लक्ष्मी, लक्ष्मी क्या है कांता, तुमने कुछ सुना? क्या सुना? मुखिया जी वहाँ लड़का हुआ है। अरे और किसी की क्या हुआ होगा? नहीं नहीं मुखिया जी, हम सच कह रही हूँ। अरे सुना तुमने, मुखिया जी लड़का हुआ है? हमने तो कभी सुना ही नहीं था कि उनके घर बाल बच्चा होने वाला भी है। भगवान के खेल न्यारे हैं लक्ष्मी। हौसला रखो भगवान, पुलिस पूरी तहकीकात कर रही है, जरूर पता चल जाएगा। रुक्मणी बीमारी की हालत में घर छोड़कर चली गई, आखिर क्यों? तुम ना जाने मेरे बच्चे का क्या होगा। देखो ना, न जाने इसे क्या हो गया, रात भर रोता रहा। लाओ इसे मुझे दे दो, मैं शहर ले जाकर इसे किसी डॉक्टर को दिखाता हूँ। रेलू को मैं साथ ले जाता हूँ, तुम उसकी माँ से कह देना। बहुत अच्छा। लक्ष्मी, ओ लक्ष्मी। हाय कांता। ओ लो भाभी, मुखिया के बेटे की तबीयत बहुत खराब है, तो इन्हें क्यों नहीं बुलाया? हमारे बैठ जी को बुद्धू समझते हैं। अजी सुना तुमने कांता क्या कह रही थी? घर का जोगी जोगड़ा, बाहर का जोगी सिद्ध। वाह, तुम तो उनके सज्जन बहु तुमसे बैर कमाते हैं। अजी वो आज डॉक्टर के पास गए हैं, कल पर सारा गांव डॉक्टर कराएगा, हमारे तो पेट पे लपड़ जाएगी। लक्ष्मी, अरे सबको राम देने वाला है। तुम तो बैठे रहो राम मरो पे, लेकिन कह देती हूँ मैं राम पहलवान की बेटी हूँ। वो मरम्मत करूंगी उस चौधरायन की, कि सात जन्म याद रखेगी राम पहलवान की बेटी को। आपको डॉक्टर की तलाश है? देखिए एक डॉक्टर यहाँ भी रहते हैं, मेरे बहुत चलो रेलू। डॉक्टर साहब बड़ा बीमार है, मैं रात भर दूध भी नहीं पिया। अंदर गया, बच्चे को यहां लेटा दीजिए। मेरा बच्चा है। झूठ मत बोलो वरना मैं भी पुलिस को बुलाती हूँ। ये बात है पुलिस मुखिया चाचा, मैं बाहर खड़ा हूँ। चाचा जी मैं सेठ जी को फोन करती हूँ कि मुन्ना मिल गया। ठहरो ठहरो, देखो डॉक्टर का पहला फर्ज ये है कि मरीज की देखभाल करना, तुम इसके लिए दवाई तैयार करो, ये काम पहले करने का है। जाओ शाबाश। मेरे भाई बच्चे को उठाओ उस कमरे में ले चलो। आराम ले चलो। चाचा जी आप एक खुराक बच्चे को पिला दीजिए, फिर जी को फोन करती हूँ। अच्छा अब क्या होगा? हेलो, ये लो बच्चे की दवाई। माधु फिर जी को बुला, ये जल्दी बुला। घर जाओ वहाँ पिलाना, इससे रात भर नींद नहीं आई। अजी मैं कहता हूँ इस दवाई के बाद बड़ी अच्छी नींद आ जाएगी, गहरी नींद सो जाएगा बच्चा। आप तुम जल्दी जाओ, जाओ शाबाश, जाओ संभाल के लेना बच्चे को। जाओ चाची जी, अब सेठ जी को बुलाने की जरूरत नहीं, तुमने बच्चे को दवाई में जहर दे दिया। जहर दे दिया, ये नहीं हो सकता, ऐसी गलती मैं कभी नहीं कर सकती। घबराहट ना दो, तुमने दवाई में जहर मिला दिया और मैंने उस दवाई की एक खुराक उस बच्चे को भी पिला दी। उसके बाद जब मेरी नजर उस शीशी पे गई तो मेरे तो होश ही उड़ गए, मैंने उन लोगों को यहाँ से रवाना कर दिया। अब तक तो वो बच्चा मर भी गया होगा। मर भी गया होगा, ये खून मैंने किया है, मुझे इसकी सजा मिलना चाहिए। मैंने कहा ये तुम क्या कह रही हो? मैंने जुर्म का इस्तेमाल करेंगे। सुनो तो, मैंने कहा सुनो तो भाई, एक नेक दिन मुन्ना जरूर मिल जाएगा। मुन्ना नहीं मिल सकता, मुन्ना नहीं मिल सकता, तुम कैसे जानती हो? मेनका मैंने उसे खो दिया है, हमेशा हमेशा के। ना मालूम इसे क्या हो गया, हर वक्त खोई खोई सी रहती है। मैं की बातें करती हूँ, मैं पापा हूँ, मैंने पाप किया है। बिटिया बिटिया मुन्ना खो गया, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। सेठ जी जब से मुन्ना खोया है इसी तरह की ऊट पटांग बकवास करती रहती है। सेठ जी बिटिया मैं पापा हूँ, मैंने पाप किया है, आप पुलिस को बुलाइए, मुझे पुलिस की खबर कर दीजिए। क्या कह रही हो? मुझे उसकी सजा नहीं लगाई है। सेठ जी मैंने पाप किया, बिटिया सेठ जी बिटिया
मैं भी रामू पहलवान की बेटी हूँ, देखती हूँ गांव में बैठ के होते हुए कौन डॉक्टर की दवाई देता है। सामने पंचायत खड़ी है, उनका फैसला मंजूर करना होगा। अभी खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो, बच्चे को देखो, कुछ दवाई दो। नमस्ते सेठ जी, आओ बैठो। कहो क्या बात है? किस मुंह से कहूं, हमारी तो गर्दन झुक गई, घर से निकलना मुश्किल हो गया। आखिर बात क्या है सेठ जी? दुनिया वालों का मुंह बंद नहीं किया जा सकता। बेचारी मेनका की तो जिंदगी बर्बाद हो गई, तुम्हारी लड़की, उस पर इस तरह से इल्जाम, ऐसी तो होती किसकी मजाल जो उस पर तोहमत लगा सके। वो नेक लड़की है सेठ भगवान दास, दुनिया वाले उंगलियां उठाते हैं, आखिर मैं किस किस की जुबान बंद करूं। मेरी ये बात से यही प्रार्थना है कि उसे अपने चरणों में जगह दे दीजिए। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं ठीक कह रहा हूं सेठ जी, आपके घर में फिर से रौनक हो जाएगी और उसका जीवन संवर जाएगा। धन्यवाद, मुझे विश्वास था कि आप मुझे निराश नहीं करेंगे। मैं जाके शादी की तैयारियां करता हूं। बेचारे भगवान दास के घर में तो मातम छाया हुआ, बच्चे की याद ने उसे बहुत परेशान कर रखा है, किसी भी काम में दिलचस्पी नहीं ले रहा वो। और ये सब मेरी वजह से हुआ। मेनका, जो कुछ भी हो गया उस पर अफसोस करने के बजाय मेरे ख्याल में क्या करना चाहिए ये सोचना ज्यादा जरूरी है। मेनका, भगवान दास कई बार इशारों इशारों में मुझे कह चुका है, अगर तुम उसके घर को अपना घर बना लो। चाचा जी। बेटी, तुम्हारे सिवाय मेरा इस दुनिया में और है कौन? मैं तुम्हें सदा सुखी देखना चाहता हूँ, और फिर ऐसा करने से भगवान दास का उजड़ा हुआ घर बस जाएगा और तुम्हारे दिल पर जो गुनाह का बोझ पड़ा हुआ वो भी हल्का हो जाएगा। भाई मैंने तो हाँ कह दिया, और मुझे उम्मीद है, बल्कि मुझे यकीन है कि तुम मेरा कहना जरूर मान जाओगे। बस मैं फौरन शादी की तैयारियां करता हूँ। शाबाश। तुम भी राधा को साथ लेकर जाओ, जरा घूम कर आएगी। ला 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 ला, आजा बेटे, ला मुझे दे दो। आजा आजा आजा, बैठ जा, जा, चल बेटे, चल बैठ जा, दूरी तो लाख छुपा, तेरी आँखों में प्यार मैंने देख लिया, दूरी तो लाख छुपा, झुकी पल के उठो जरा गोरी, झुकी झुकी पल के उठो जरा गोरी, अब तो मैं जान गया गोरी तेरी चोरी, तेरी आँखों में प्यार मैंने देख लिया, पूरी तुलाख छुपा, धीरे धीरे चल।
बचपन बीता कैसे बीतेगी जवानी बचपन बीता कैसे बीतेगी जवानी तेरी आँखों में प्यार मैंने देख लिया तेरी तो लाख छुपा चाहे तेरी बतिया लगे है बड़ी प्यारी चाहे तेरी बतिया लगे है बड़ी प्यारी इस पर प्यार कहे दुनिया ये सारी तेरी आँखों में प्यार मैंने देख लिया तेरी लाख छुपा अभी जब तुम मेरे साथ खिलौने बेचते लेकिन मुझे तो मंदिर जाना है अरे मंदिर कोई भागा थोड़ा ही जाता है अगर खिलौने नहीं बेचे तो सब ग्राहक भाग जाएंगे अच्छा जयराम जी के पंडित जी अरे रेलू तू कहां से आ सकता सुबह सुबह जाजा अपना काम कर है? अभी बुढ़ी तक नहीं हुई ये धंधे का वक्त है किसी दिन घर पर आ जाना अजीब बात है पंडित जी हम घर पर आने वालों में से नहीं है समझे अगर भूमि नहीं हुई है तो हम क्या देते हैं ये लो चवन्नी क्या याद करोगे किसी रईस से पाला पड़ा है चलो फटाफट अपना हाथ देख डालो अरे कुछ बोलोगे भी या वाह करते रहोगे पंडित जी चवन्नी में से वाह बताओगे या हाथ की लकीरें बताओगे अरे रेलू क्या बलवान है तेरी हाथ की लकीरें इसमें कोई शक नहीं क्या टेढ़ी है क्या सीधी है और आज आज क्या होगा पंडित जी तू चाहे वो हो जाएगा अरे वाह पंडित जी पंडित जी अब मैं चलता हूं क्या समझे ऐसा है कि अगर रात हो गई तो आज का दिन भी चल जाए समझे नहीं समझे रेलू ओ रेलू चवन्नी भी दे गया तो खोटी आओ आओ मट्टी के खेलो बच्चे ले लो जवान ले लो चाहो तो भगवान ले लो इसका क्या दाम है भगवान और भगवान का जी ओ जी क्या रानी वाह 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 क्या सादा हो रहा है दो आने चार आने अरे दादा तू वैद्य की बेटी है आपका अंजन बेच आपका मंजन बेच ये खिलौने क्या बेच रही है मट्टी के तेरे लिए संख्या रखा है लेगा अरे दे दे तेरे हाथ से इससे ज्यादा और क्या चाहिए अबे और रेलू के बच्चे संभाल के बात कर खबरदार जो दादा से ऐसी बेटी बात की अरे वाह 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 हमारा लौंडा हम ही को आंखें दिखाता है हमारी मिलनी हमी से ना जाता है हाथ उठा तो दादा देखते तू भी कुछ नहीं बोलती इसने तेरे सामने उस पर हाथ उठाया है अच्छा हुआ हाथ उठाया जूता नहीं उठाया जूता यार तू भी ऐसी बात करती है तेरी माँ पिता क्या भी करता हूँ और माती 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 मैं तेरी माती वसी ले रही हूँ मैं बाबा परमार की इकलौती बेटी हूँ मेरा कोई भाई नहीं है मौसी में तो चाची सही फुफी सही दादी सही नानी सुनो तो ओहो मौसी मेरा मतलब है चाची देखो तो राधा भरे बाजार में शाम के साथ खिलौने बेच रही है ची ची अरे तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया खबरदार मेरे लड़के को बदनाम किया तो वो बेचारी तो पूजा के लिए मंदिर गई है झूठ नहीं कहता चाची मैंने अपनी आंखों से देखा है शाम के छकरे पर खड़ी रहकर हाथ में खिलौना लेकर चिल्ला रही थी के क्या आना आटा आना पौने बारह आना चलकर देख लो और अगर झूठ निकला तो झूठ निकला तो तुम्हारा जो चाची तुम्हारे पाँव में तो जूता नहीं है खैर कोई बात नहीं कोई बात नहीं मेरा जूता और मेरा ही सर चलिए ठीक है चल आगे लो ये लो चलाने पैसे दो ये बात तेरी मार रही है
हाँ ले 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 कहाँ है राधा मुझे नहीं कहाँ है बता यही तो मैं देखता हूँ राधा कहाँ है मैं सब जानती हूँ मैंने देखा तो यहाँ खड़े रहकर चारा रहा हूँ क्या चंपा चंपा मंदिर से आ रही है थोड़ी सी फूल या प्रसाद दे देना तेरे को शर्म नहीं आती किसी की बच्चियों को बदनाम करते हुए मैं भी रामू पहलवान की बेटी हूँ निकाल अपना जूता तेरा सर गंदा कर दूँ मैं भी गंगू तेरे का लड़का हूँ जूते खा कर ही रहूंगा अच्छा ये लो चाची जूते और ये रहा सर अरे तुम्हारे तो हाथ में जूता प्रसाद खा लो देख कल मुए आंखें हैं तेरे को बेचारी मंदिर से आ रही है और बदनाम करता है राधा सच बता मैंने बहुत जूते खाए सच बता तू यकीन अरे एक तवे की रोटी एक छोटी एक मोटी बेटी ऐसा मालूम पड़ता है कि भगवान ने तेरी तकदीर खुद अपने हाथों से लिखी चलो अच्छा ही है तेरे साथ साथ तेरे चाचा का भी कल्याण होता चला जा रहा है ले बेटिया जरा इस चेक पे दस्तखत कर दे सिर्फ 10,000 का है ये ले आप कितने रुपए ले चुके हैं कुछ हिसाब भी है हिसाब हिसाब तो पाई पाई का रखना पड़ता है बड़ी मुसीबत है मैं जब ऑकवर्ड पोजीशन में हूं अब क्या बताऊं बिटिया का धन है सूद के साथ लौटाना पड़ेगा इसे थैंक यू वेरी मच चाचा जी आप मुझे बड़ा सुखी समझते होंगे समझता हूं लोग सारा शहर जानता सारा शहर तो अंधा है दुनिया सूरत देखती है लेकिन दिल की धड़कन कोई नहीं समझता आज 24 साल हो गए हमारी शादी को लेकिन दिन ब दिन हम एक दूसरे से दूर ही होते चले जा रहे हैं उनकी बीती हुई जिंदगी है उनका खोया हुआ लड़का और आज की जिंदगी रूपा रूपा रमणीक लाल की बेटी मैंने कहा ये रूपा बड़ी जहरीली है नागिन है नागिन बस वो देखो अजीब बात है राजा अरे मैं तो तुझे ढूंढ ढूंढ कर थक गया कहाँ थी तू अरे तेरी सारी सहेलियां तो पानी भरकर चली गई है तू जरा देरी से आई है तुम कहीं गिर जाओगी तुम्हें चोट आ गई तो मैं तो मर ही जाऊंगा देख तेरे नौकर तेरे आस पास खड़े ला तुम्हें पानी भर दू ये तुमने मुस्कुराकर कहा है दांत दिखाकर मुझ पर मेहरबान होकर हे भगवान देख मैं अभी पानी भरकर आता हूँ राधा तू चले नहीं जाना मैं अभी पानी भर के आता हूँ राधा तेरा मटका तो सलामत है मेरा सर टूट जाए तू जाने दे तेरा मटका टूटने नहीं दूंगा मैं अभी पानी भर के आता हूँ गंदा हो गया तू जाना नहीं है मैं भी आया Thank you.
देख रहा हूँ तेरा मक्का सलाम से ना मेरे कपड़े थोड़े भी चलेगा अगर तू कहे इस मटके को तेरे घर तक पहुँचा दी पर वो लकड़ियों का गट्ठा भी तो लेके जाना है हाँ कैसी बात करती हो ये लकड़ियों का गट्ठा मैं उठा लेता हूँ गट्ठा सर पर कमर पर मटका तुम आगे आगे और मैं तुम्हारे पीछे चलो राधा कभी कभी ये पंडित का बच्चा जो कुछ कहता है बिल्कुल सच कहता है क्या कहा था पंडित ने उसने कहा था कि आज तू जो कुछ चाहेगा तुझे मिल जाएगा क्या मिल गया तुम्हें क्या नहीं मिला है मुझे ये तेरा लकड़ियों का गठड़ा सरसर ये तेरा मटका बगल में तू मेरे आगे आगे मैं तेरे पीछे पीछे और क्या चाहिए रेलू को अगर तेरी खुशी इतनी है तो कल सुबह मटका और लकड़ियों का गठड़ा रोज मेरे घर पहुंचा दिया कर रोज अगर तुम कहो तो मैं दिन में 10 बार तुम्हारे घर पहुंचाऊं राधा बिटिया क्या है कल्लू चाचा ये कलमुआ कल्लू कहां से बीच में आ गया क्या बात है कल्लू चाचा ले बिटिया अपने कपड़े घर लेती जा आज मेरी तबीयत ठीक नहीं कोई बात नहीं चाचा मैं ले जाऊं अगर तू कहे तो मैं ये गच्ची भी तुम्हारे सर पर रखूं हाँ रख दे अरे ये तो गठरी है अगर तेरा जी चाहता है तो तू खुद ऊपर बैठ जा तुझे भी उठा लूंगा रेलू हनुमान है हनुमान ये तो पहाड़ भी उठा सकता है अरे हाँ माँ ने कहा था एक पत्थर लाने के अगर पत्थर किसलिए कभी कभी चोरी चक्के आ जाते हैं घर में तुझे जल्दी लिया मैं अभी लाई लकड़ियों का बहुत कुछ कम था तो पत्थर लेने गई हूँ लाओ रख दे जेब में जेब में कैसे रखूं हाँ ये भी ठीक है तो ला फिर हाथ में अभी चल हाँ चलता मगर मेरा आहिस्ता राधे बोझा बहुत है राधा आहिस्ता अरे आहिस्ता ले लो अरे आहिस्ता चलो राधा देखो बोझा बहुत है चलो भाई जाए अरे आहिस्ता बना अरे ये लो ये क्या कर दिया तूने मेरा मटका तोड़ दिया तेरे हाथ में चोट आ जाएगी हाथ में कितनी मेहनत की कपड़े भी गए मटका उठाया पत्थर उठाया और ये तो नाराज होकर चली गई पंडित जी ने ये तो नहीं कहा था कि आज पार भी पड़ेगी मैं पंडित के बच्चे को देख लेता हूँ ऐसे ही खड़ी रहना मैं जरा तेरी आंखें बनाऊंगा अरे तेरी आंखें नहीं तेरी जैसी आंखें तेरी आंखों में जो जादू है वो तो इसमें भर नहीं सकता थोड़ी सी रंगत चुरा लूंगा क्या कहता बस बस ऐसे खड़ी रहना राधा राधा अरे राधा क्यों रे लफंगी तेरा क्या वास्ता है राधा से और तुम्हारा क्या वास्ता है चाची राधा से मैं माँ हूँ उसकी मैं पुजारी हूँ उसका क्या भक्त है ठीक कहता हूँ चाची ये देखो ये है मेरी राधा और ये देखो मंदिर अभी आधा बना है चाची पूरा बन जाएगा राधा को इसमें बैठा कर पूजा किया करूंगा चल चल बड़ा आया पुजारी मना क्यों नहीं करती अपने पति रूपा के लिए रूपा के लिए जेवर आ रहे हैं रूपा के लिए फल आ रहे हैं रूपा के लिए फूल आ रहे हैं रूपा 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 मैंने कहा मैं तुमसे कह देता हूँ अपने आप को बचा लो अभी वक्त है अगर पानी सर से ऊपर हो गया तो डूबने के सिवाय कोई चारा नहीं रहेगा लो देख लो इसे
आओ रूपा। देखो ओ गोरी मुड़ के हम भी तो खड़े हैं रास्ते में, हाय रे जरा देखो ओ गोरी मुड़ के हम भी तो खड़े हैं रास्ते में, हाय रे जरा देखो ओ गोरी मुड़ के। थोड़ा सा ही पास हमको बुलाओ ना, करो तो ख्याल ऐसे ठुकराओ ना। थोड़ा सा ही पास हमको बुलाओ ना, करो तो ख्याल ऐसे ठुकराओ ना। नजरों के मारे हैं हम तो बेचारे हैं, कब से पड़े हैं रस्ते में, हाय रे जरा देखो तो थोड़ी मुड़ के हम भी तो खड़े हैं रास्ते में, हाय रे जरा देखो ओ तेरी मुड़ के। कितने हैं नाज कितनी अदाएं हैं, दिल तो है एक लाख ही भलाएं हैं। कितने हैं नाज कितनी अदाएं हैं, दिल तो है एक लाखों ही बुलाए हैं। मारा फिर तब से तेरे संग जब से नैना लड़े हैं रखते में, हाय रे जरा देखो ओ तेरी मुड़ के हम भी तो खड़े हैं रखते में, हाय रे जरा देखो ओ तेरी मुड़ के। तेरे लिए लाख गालियां दिखाई हैं, सर पे हजार आफते उठाई हैं। तेरे लिए लाख गालियां दिखाई हैं, सर पे हजार आफते उठाई हैं। सब ने सताया है तूने भी रुलाया है, फिर भी अड़े हैं रास्ते में, हाय दे जरा देखो ओ तेरी मुड़ के हम भी तो खड़े हैं रास्ते में, हाय रे जरा देखो ओ तेरी मुड़ के हम भी तो खड़े हैं रास्ते में, हाय रे जरा देखो ओ तेरी मुड़ के। अरे कभी हमारी भी सुन ले, अरे कभी हमारा जिया भी तो ठंडा कर दे। अभी ठंडा कर क्यों यार, कर दे कर दे, तेरे बड़े उतार लेंगे। तेरे की कहां था जिया ठंडा करने को, तूने भेजा ठंडा करके। अरे बाप रे बाप, मैं तेरी बिछाए तेरी ही मंजिल तुझको बुलाए, चांद मेरे आ जाए। देखी
राधा, मेरी राधा, तुम आ गए। मैं तो समझ रहा था तुम ना आ सको, लेकिन इस पूर्णमासी का चांद मेरा हौसला बढ़ा रहा था, तो कह रहा था तुम जरूर आओगी। ये चांद सितारों की भाषा मेरी समझ में नहीं आती। इतनी जानती शाम ने पुकारा और राधा आ गई, लेकिन शाम ये रात की चोरी चोरी छुप छुप की मुलाकातें आखिर कब तक? ये बहुत अच्छी है राधे, बहुत अच्छी। दुनिया तो सिर्फ निगाहें मिल सकती हैं, वरना कभी रेलवे सर पर आटा पकता है, कभी रावण पहलवान की बेटी। लेकिन सारे गांव की नजरों से बचकर इस तरह मिलना। अब छोड़ो इन बातों को, सूरत के नजारों को देखो। देखो नील गगन पर चांद किस तरह नाच रहा है। साल मुबारक हो बेटी, चुप चुप। तुम्हारे घर पर पार्टी को तुम यहां लेती हूँ, मैं हमारा इंतजार कर रहा हूँ। चलो खराब होने लगे तो मरीज क्या करेंगे? मजाक कर ले किसी को, जनक किसी की शादी आज इसी घर में, ये घर से ये होता गुलाम का तुम। रूपा का बाप है, अच्छा खासा कमा लेता है, क्या बेटी का जन्मदिन वो खुद नहीं मना सकता? मेनका, मैं कई बार कह चुका हूं कि जब से मुन्ना खो गया है उसकी उम्र का हर बच्चा मुझे अपना बेटा नजर आता है, और फिर आज उसका जन्मदिन भी तो है। मैं उसी का जन्मदिन समझकर रूपा का जन्मदिन मनाता हूं। मेनका, मेरी खुशी के लिए ना सही, दुनियादारी के लिए थोड़ी सी देर के लिए पार्टी में चले चलो प्लीज। आप चलिए, मैं आती हूं। शुक्रिया। अंकल आप कहां चले गए थे? यही था अंकल, एक विनती है। आज तुम जो कहोगी हम सब मानेंगे। पूर्णमासी का दिन है, अगर ये पार्टी किसी खुशनुमा पहाड़ी पर या किसी नदी किनारे हो तो? क्यों नहीं, मैम का रूपा की ख्वाहिश है कि ये पार्टी कहीं बाहर हो,
रूपा बड़ी खुश नसीब है, उसकी हर ख्वाहिश पूरी होती है। आप लोग जाइए। आप लोगों का क्या ख्याल है कि ये पार्टी अगर कहीं बाहर हो? अजी वाह वाह, ए नेकी और पहुंच पहुंच, मेरा मतलब है पूछ पूछ। चलो 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 कहता है चांद, ये कहता है धरती की रानी, हंसी जवानी दिन है तुम्हारे चांद का देखा दे। सवेरा रात ये तेरी है, रात ये तेरी है, तारों की टोली नीले गगन से यही पुकारे रे चांद को देखा दे, चांद को देखा दे, मुझे लुटाए जादू जगाए दिले हमारे। अरे इधर आओ। ए नहीं आते, गाना क्यों बंद कर दिया? हमारी मर्जी, हम सब लोग तो तुम्हारा गाना सुनकर रुक गए थे। बहुत अच्छा गाते हो। ये लो, ये क्या है? अरे अरे अरे, देहाती है बेचारा। अरे भाई ये नोट है 10 रुपए का, सेठ भगवान दास तुम्हें गाना गाने के लिए दे रहे हैं, ले लो ले लो। मैं गाना नहीं बेचता, खिलौने बेचता हूँ। बड़ा घमंड है। घमन तो आपको भी कुछ कम नहीं। अरे इनके पास तो दौलत है, मकान है, तेरे पास क्या है? मेरे पास इंसानियत है। आप लोगों को अपनी दौलत पर घमन है और मुझे अपनी इंसानियत पर। आपको दुनिया के दूध पर घमन है और मुझे भगवान की देन पर। और आज मेरा जन्मदिन है और इस खुशी में हम सब यहाँ आए हैं। मैं आपसे विनती करती हूँ, आप गाना सुनाइए। आप आए सीधे रास्ते पर, क्यों राधा, तुझे इसकी विनती मंजूर है? तुझे मंजूर है तो मुझे भी मंजूर है। अच्छी बात, तो फिर सुनिए। धड़कन
चांद को देखो मस्ती लुटाए जादू जगाए दिल में हमारे चांद को देखो शाबाश बेटा शाबाश हमें तुम दोनों का गाना बहुत पसंद आया देखिए पैसे देकर आप हमारी बेइज्जती न कीजिए नहीं बेटा नहीं ये लो ये क्या है इस पे हमारा पता लिखा है कभी शहर आओ तो हमसे जरूर मिलना मैं भला शहर क्यों आऊंगा हाँ अगर आप हमारे खिलौने खरीदेंगे तो जरूर आऊंगा तो हम जरूर तुम्हारे खिलौने खरीदेंगे कितने खरीदेंगे जितने तुम ला सको मैं तो छकड़ा भर के ला सकता हूँ छकड़ा लारी रेलगाड़ी सब खरीद लेंगे राधा इसका घर है या दुकान राधा अरे ओ राधा रेनू आ गया अब क्या होगा देखिए हम लोग छिपे जाते हैं आप इसे बताइए नहीं राधा आओ यहीं छिप जाओ राधा राधा वो एक लड़का और लड़कियां गा रही थी ना कहाँ गए अरे सब खामोश गा रही थी ना चांद को देखो जी चांद को देखो जी चांद को देखो जी वो तो मैं गा रही थी आप गा रही थी तो आपके साथ कौन गा रहा था साथ ये गा रहे थे आपको मैंने कहीं देखा है अच्छा क्यों बांकेलाल जी यहाँ तो आपको हर कोई पहचानता है अरे ये तो गांव है बांकेलाल जी अगर जंगल में चले जाए तो सांप और बिच्छू भी इन्हें बचा लेंगे थैंक यू अच्छा तो तू यहाँ है राजू अभी जाके तेरी माँ से कहता हूँ देखता हूँ कि तू किस तरह मेरे हाथ में धूल झोंकती है और तू अबे जा तुझे कल देख लूंगा अब क्या होगा श्याम अरे तू डरती क्यों है ये सीधे रास्ते जाएगा मैं तुझे पगडंडी के रास्ते लिए चलता हूँ आ जल्दी चल अरे अरे कहाँ चल रही अजब तमाशा देहाती लोग अरे अरे जाना अपने नाम को लेके जाओ ओए इधर आ जल्दी चल रेलू भगवान ने तेरी सुन ली अब तेरे जूते खाने के दिन गए और शाम के आगे चल जल्दी अरे कौन है अजय उठो शायद बाहर कोई रोगी आया है रोगी होगी नहीं चाची मैं रेडू 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 हाँ अरे इतनी रात को क्या सामान पड़ा है तेरा अरे पहले दरवाजा तो खोलो घर खोलती हूँ क्या है चल जल्दी बोल चाची उस दिन मेरा सर और मेरा जूता जानती हो राधा कहाँ है अगर अब के बाद झूठ निकले तो पूरे 10 जूते गिनकर मार देना राधा घर में नहीं है अरे तेरा दिमाग तो नहीं फिर गया है राधा तो बेचारी सो रही है अंदर सो रही है अजीब बात है अरे चाची तुमने तो आंखों पर पट्टी बांध रखी है तुम्हारी होनहार लड़की सो नहीं रही वहाँ गाना गा रही है चांद को देखो जी चांद को देखो जी और वो चांद को नहीं पर शाम को देख रही है अच्छा घर इधर पा हाँ हाँ चांद को देखो जी ये चांद नहीं तो और कौन है जी ये यहाँ कैसे आ गई अच्छा कैसे आ गई चाची ये लो जूता और ये मेरा सर पर घर आए सामान हाँ हाँ बिल्कुल आए सामान हाँ ये दो तीन चार पांच छह सात आठ और बापू बोलो शहर से तुम्हारे लिए क्या लाऊं बेटा मेरे लिए एक अच्छी सी छड़ी लाना भेज की अच्छी और बेटा मेरे लिए त्रिफला के साथ साथ मत भूलना नौराई बूटी और तीन तेरे झलकन अरे वो सब काम ही बन जाएगा और चाची तुम्हारे लिए मेरे लिए बिंदोरी चूड़ियां लाना लाल लाल मोटे रंग की लाल लाल मोटे रंग की या मोटी मोटी लाल रंग की मोटी मोटी लाल रंग की ये बात चाची अच्छा बाबू चलता हूँ ये आराम लीजिए चल बेटा
एक ही दिन के लिए तो जा रहा हूँ, शहर खिलौने बेचने के लिए। राय साहब ने कहा था ना सब खिलौने खरीद लेंगे। और वो मोटी मोटी आंखों वाली ने भी तो कुछ कहा था कि तुम्हारी तरफ खुलकर कदम उठाएगी। शाम पर शक कर रही हो? तुम शहर मत जाओ शाम, तुम्हें खिलौने बेचने हैं, सारे खिलौने मैं खरीद लूंगी। राधा राधा राधा, मैं तो अपने जीवन का सपना देख रहा हूँ। तू तो जानती है गांव में तो कुछ पैसे मिलते नहीं। शहर जाऊंगा, खिलौने बेचूंगा और बहुत सारे पैसे कमाऊंगा, फिर एक छोटा सा घर बनाऊंगा और उसे घर में अपनी राधा को दुल्हन बना के ले जाऊंगा। अब तू आसमां कहा, मैं तुझे वचन देता हूँ कि सूरज डूबने से पहले ही तुझे आके मैं दूंगा। गाड़ी में आ जाओ। नहीं नहीं, मैं इस गाड़ी में। हाँ हाँ, अरे आओ आओ, छोड़ती क्या जा, जा, जा। चल बेटा चल, माधव पार्टी, कल पिकनिक, एक आ रहा है एक जा रहा है, ये घर है ये सराय। जब से मुन्ना खो गया है सच्ची खुशी पर जीवन से जाती रही। मुन्ना मुन्ना मुन्ना, आज 24 साल हो गए मुन्ने को खोए हुए और उसी के नाम किरट लगाए जा रहे हैं। मैंने कहा मुन्ना मेरा बेटा, मैं उसे नहीं भूल सकता। ओह तुम आ गए सेठ जी, ये कहानी तो बहुत पुरानी है। कौन सी? यही कि मेहमान घर में आया और मियां बीवी ने झगड़ा शुरू कर दिया, मेहमान जल्दी से भाग गया। लेकिन सेठ जी, मैं तो खिलौने बेचने आया हूँ, खिलौने बेचकर जाऊंगा और खाना भी पेट भर के खाऊंगा। खाओ बेटा खाओ, तुम्हारे ही घर है और आप बड़ी मेहमान नवाज हैं, कोई आया तो सर पे उठा लेती हूँ, सर पे उठा लेती हूँ, थकती नहीं। मतलब था कि मेहमान की बड़ी खातिर करती हैं। ओह खातिर करती हैं, तो फिर हो जा खातिर, क्या बात है। बात यह है कि दरअसल आज इनकी तबीयत कुछ खराब है। महादो महादो सेठ जी, एक बात है, आपका घर बहुत अच्छा है, पसंद आया। महादो इन्हें अपना घर दिखाओ और इनके रहने का इंतजाम करो। आइए बहन। चलिए सर, चलिए। आओ बेटे। अच्छा ये तो रहे सेठ जी, और ये कौन है?
ये उनकी पत्नी है। उनकी पत्नी? लेकिन वो तो ऊपर थी। ये उनकी पहली पत्नी है। ओह, बड़े आदमी है, दो दो शादी की होंगी। और ये मुन्ना कौन है? ये उनका बेटा है। उनका बेटा? लेकिन यहाँ तो कहीं दिखाई नहीं देता। ये तस्वीर 24 वर्ष पहले की है बेटा। ये तस्वीर मेरी बदनसीबी की कहानी है जी। इसकी माँ बच्चे को लेकर कहीं चली गई थी। तो क्या वो लोग हो गए? हाँ बेटा, अगर वो आज यहाँ होता तो बिल्कुल तुम्हारी उम्र का होता। अब तो बेटे को इधर इंतजार करना होगा। नहीं समझी क्या लाल जी? देखिए ना किस ठाट से खा पी रहे हैं। बॉय, एक दो विमचो और ला बॉय। आइए आइए। आप ही हैं बांके लाल जी? अच्छा, शहर की राम। नमस्ते। नमस्ते भाई। आप राय साहब की पत्नी की चाचा हैं? चाचा? और बेटी के घर में खा रहे हैं? हमारे गांव में तो जहाँ लड़की ब्याही जाती है वहाँ का पानी तक नहीं पीते। अजी, ये तो आम आदमियों की बात है। और आप तो खास आदमी हैं। खास आदमी तो साहब लड़कियों की शादी से पूरा पूरा फायदा उठाते हैं। अजी, बंगले बन जाते हैं, कारें आ जाती हैं, क्लबों में जुआ खेला जाता है, रोलर रेस के घोड़े खरीदे जाते हैं। जलो, खूब जलो, खूब अच्छी तरह से जलो। जलने वाले जलते रहेंगे और ऐश करने वाले ऐश करते रहेंगे। हाथी झूमता रहेगा और कुत्ते भौंकते रहेंगे। भगवान के लिए, अपने भद्दे समाज और खोखली सभ्यता का ये नमूना एक अजनबी के सामने पेश न कीजिए। वो गांव का रहने वाला है, सच्चाई उसका जीवन है, और तुम्हारी जिंदगी हमारी जिंदगी तहदारी। हमारी खुशी, हमारी हंसी, हमारे आंसू सब बनावटी। एक दिन के लिए, सिर्फ एक दिन के लिए ये तहदारी और धोखा भरे छोड़ दो। आप नाहक क्यों परेशान हो रहे हैं? ये नाटक तो मैं पहले भी कई दफा देख चुका हूँ। समझ लिया आप लोगों ने, ये आपके जीवन को क्या समझता है? सिर्फ एक नाटक। हाँ हाँ, बहुत दिन हुए एक नाटक कंपनी आई थी, उस नाटक में बहुत अच्छा गाना था। अगर आप लोग कहें तो मैं आपको सुनाऊं। सुनाइए, जरूर जरूर सुनाइए। हाँ, सुनाइए। ओ दुनिया वालों, ओ दुनिया वालों, कैसा तुम्हारा ये संसार है। ओ दुनिया वालों, कैसा तुम्हारा ये संसार है। झूठे की जीत यहाँ सच्चे की हार है। झूठे की जीत यहाँ सच्चे की हार है। ओ दुनिया वालों, कैसा तुम्हारा ये संसार है। ओ दुनिया वालों, बड़े बड़े बाजार सजा कर, गली गली में ढोल बजा कर,
सोना दिखला पीतल देते, किन के पैसे पूरे लेते। दिल का सौदा जान का सौदा होता है ईमान का सौदा। खून पसीना बिक जाता है, मौत और जीना बिक जाता है। पूछ रहा है तुमसे बोलो, कैसा ये व्यवहार है ओ दुनिया वालों, कैसा तुम्हारा ये संसार है ओ दुनिया वालों। आंसू ले लो आहें ले लो, हसरत ले लो चाहे ले लो। तांबे का एक टुकड़ा फेंको, टूटे दिल की दुआएं ले लो। लूट चुके हो दुनिया सारी, इस पर भी तकरार है ओ दुनिया वालों, कैसा तुम्हारा ये संसार है ओ दुनिया वालों। सपनों की दुनिया को छोड़ो, असलियत से मुँह ना मोड़ो। तब तक झूठी शान रहेगी, दो दिन तो ये जान रहेगी। साथ समय का बोल रहा है, रात के सारे खोल रहा है। साथ की हंडिया चल के बहेगी, घोटा ये व्यापार है ओ दुनिया वालों, कैसा तुम्हारा ये संसार है ओ दुनिया वालों, कैसा तुम्हारा ये संसार है ओ दुनिया वालों। अब तुम्हारा समझ रहा, मैं तुझे वचन देता हूँ कि सूरज डूबने से पहले ही तुझे आके मैं दूंगा। अरे राधा की माँ, क्या है भाई? फुआ आप है, लो बैठ गई। यहाँ तुम मिठाले पड़ गए तो मैं क्या करूँ? मदद कर दे। वैसे मैं निकम्मी बैठी हूँ। कौन कहता है कि तू निकम्मी बैठी है? मेरे ही दम पर तो एक रस्सी चलती है, और तू तो रामू पहलवान की बेटी है ना। तू तो अच्छा, इसीलिए कहता हूँ कि जो काम मैं सारे दिन में नहीं कर पाता, तू दो मिनट में कर लेती है। कहता हूँ सिद्ध मकर ध्वज की, तेरे इन हाथों में तो जादू है जादू। अच्छा अच्छा, उठो अभी कर दे। अजीब बात है, ये क्या कर रही हो राधे? क्यों नाजुक हाथों को तकलीफ देती हो? लाओ मत लो। मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया, मुझे मजाक बिल्कुल पसंद नहीं। अजीब बात है, अरे मजाक कौन कर रहा है, मैं तो सच कह रहा हूँ। तुम नहीं जानती मेरे दिल की हरकतों को, मेरे दिल की हरकत है। अरे कौन है राधा? मैं हूँ चाची, तुम्हारा रेणू। रेणू? अरे आ रेणू, अंदर आ। देखा, चाची ने बुलाया है। अरे आ रेणुआ, बड़े अच्छे मौके पर आया है। पैसे ने बड़ी अच्छी दवाई बनाई। अजीब बात है, मुझे तो कोई बीमारी नहीं। अरे बीमार हो तेरे दोस्तों? हाँ जरा दो हाथ लगा। हाँ बेटा, तू भी धर्म कमा ले, नारायण दूसरी है। लाओ राधा की माँ। दरअसल बात यह है कि मैं भी तरसता रहता हूँ कि कभी तुम मुझे कुछ काम करो। अरे ये क्या? यो अच्छी तरह पीस, कपड़े से छानना है। नहीं, परंतु बात ये है कि मैं तो कुछ और ही कह रहा था। तो कुछ कह रहा मुझे हमेशा के लिए अपना नौकर बना, जितनी दवाइयाँ कहोगी उतनी। और तो कुछ करेगा, मैं
लेकिन गांव में बीमारी कितने सकते नौकर रखे तो तनख्वाह कहाँ से दे? की बात उसके तनख्वाह मानता कौन है? क्या मतलब? मैं नहीं समझ। वैसे मतलब तो इशारे इशारे में कई मतलब समझा चुका हूँ। दीजिए साफ साफ कह देता हूँ, राधा की माँ राधा ब्याहने के लायक हो गई है और भगवान की दया से मैं भी कुंवारा हूँ। अरे मेरी नारायणी पूछी, आज तो तुझे दस जूते मारे बगैर नहीं जाने दूंगी, निकाल अपना जूता। अजीब बात है राधा की माँ, मैंने तो जूता ही पहनना छोड़ दिया है। हाँ? हाँ? तो खबरदार, अगर इस मोहल्ले में आया तो तेरे ताने तोड़ के रख दूंगी। राधा की माँ मेरी नारायणी पूटी। अरे तो मैं क्या करूँ? चंद्रायन ये क्या लाई हो? शाम ये क्या लाई हो? शाम शहर से आया है। अच्छा, वैद्य जी के लिए दवाइयाँ लाया है और ये थोड़ी सी मिठाई। अच्छा अच्छा, मैं भी तुम्हारी दवाई। बैठो बैठो, कुछ पानी देनी पियो। बालू चाय? बहुत अच्छा, बालू चाय तो बड़ी बढ़िया लाई है शाम ने। अच्छा, ये ले माँ। ठीक है, मिठाई रखने के लिए। अच्छा चलो। नमस्ते चाची। जीती रहो बेटा। अच्छा राधा की माँ, मैं अब जाऊंगी। सुनो तो, मेरी चूड़िया तो लाना भूल ही गया होगा शाम? नहीं, शाम नहीं लाना भूला, मैं ही भूल गई। अच्छा तो फिर ले आऊंगी। अच्छा देख, तू जा जाकर दूध बिलो। माँ दूध बिलो बिलो कर तो मेरे हाथ थक गए, माखन तो निकलता ही। मैं भी जाकर ग्वालियर के बच्चे को पूछती हूँ क्या दूध कैसा दिया। अरे राधा तू चल, मैं जाती हूँ। स्वर्ण पिताजी का हाथ बटा। अरे सुनो, राधा का ध्यान रखना, कहीं जाने ना पाए। नहीं जाएगी, आओ बेटा। क्या मिठाई खाऊं बेटा, चार दिन की कमाई ये मिट्टी में मिल गई। डॉक्टर क्या दवाई इतनी कीमती थी? अरे बेटा नारायण बूटी थी, यहाँ मिलती ही कहाँ है। मिलती क्यों नहीं पापा? बहुत इतनी है नदी के पास। नदी के पास? हाँ पापा, काले पत्थरों की बाई तरफ नदी है। लेकिन सुनते हो पापा, तुम फिक्र मत करो, तीस दिन नहीं दूंगी। लेकिन मेरी बात तो सुन। ध्यान भी नहीं दूंगी बस। हाँ पापा। अच्छा तो जा जल्दी आना, अगर तेरी माँ को पता लग गया तो फिर। हाँ पापू, मैं गई और आई। अच्छा बेटा, तू तो पूरी दुकान उठा लाया मिठाई की। ये छड़ी बहुत उमदा है, और ये देखो बाप, इतने रुपए बड़े अमीर नहीं है राय साहब। बापू, राधा की माँ की चूड़ियां तो यहीं रह गई, मैं अभी देकर आता हूँ। ये चूड़ियां नहीं, राधा की आवाज थी। मैं जानता हूँ श्याम की माँ, मैं भी तो तुझे सीटियां बजा बजा कर बुलाया करता था, और तू मक्की की रोटी और थरसों को साथ छुड़ा कर आ जाया करती थी। अरे वो देखो लक्ष्मी जा रही है। अरे रोको उसे, वरना राधा की खैर नहीं। अरे वो राधा की माँ घर के सामने से चली जा रही हो, यूं तो नहीं जरा भीतर चली आ। ग्वालियर की बच्ची के वहाँ जा रही हूँ। अरे जरा मुंह तो मीठा करती जा। अजी सुनते हो, राधा की माँ के लिए जरा मिठाई तो लाना। अभी लाया। मजबूर करती हो तो खाना ही पड़ेगा। हाँ खाना ही पड़ेगा, आओ बैठो। लो राधा की माँ, मुंह मीठा कर लो। हैरान, बालूशाही लड्डू जली भी तो मेरा मन भाता खाना है। तू खाओ ना, शहर की शाम बहुत लाया है। हाँ मैं जानता हूँ तुम इससे खफा हो। मैं क्यों खफा होने लगी?
सौ पाओगी वो मोटी मोटी आंखों वाली जिसे तुम छोड़ कर आए हो। ये तुम कह रही हो दादा, मैं तो समझता था कि तुमसे ज्यादा मुझे और कोई नहीं जानता। तुम्हें क्या मालूम मैंने ये दो दिन कैसे काटे। मैं मजबूर ठहरा था, शेठ जी ने रोक लिया। उन्होंने एक बहुत बड़ी दावत दी और शहर के बड़े बड़े लोगों को बुलाया। ये क्या है? ये अंगूठी किसने दी? ये रूपा ने दी थी। रूपा? हाँ हाँ, वही बड़ी बड़ी आंखों वाली। तुमने क्यों ली? अरे ली क्या, उसे पहना दी जबरदस्ती। और तुम ये पहन ली? ओहो, तो बिगड़ती की हो। लो लो, मैं फेंके देता हूँ बस। बस बहन बस, अब कहाँ खाया जाता है, दो निवाले मुंह में डालूं तो पेट भर जाता है। शाम नहीं दिखाई देता? शाम कहीं घूमने गया होगा। घूमने? राधा, अरे ओ राधा, अरे राधा कहाँ गई? नदी किनारे गई है नारायणी बूटी लेने। नदी किनारे? हाँ राम, अरे मुखिया का बेटा भी गया है पीछे से। अरे मुखिया को क्या काम नारायणी बूटी से? अजी भोले शंकर, तुम जिंदगी भर कुछ समझोगे या नहीं? मैं अभी लेकर आती हूँ उसे। श्याम, वो मंदिर कब पूरा होगा? वो हमारे प्यार की निशानी। मंदिर? मंदिर उस दिन पूरा होगा जब हमारा प्यार अपनी मंजिल पर पहुंच जाएगा। क्या मंजिल पर पहुंचेगा? क्या मतलब? मतलब ये कि शहनाइयां बजेंगी, नक्कारे बजेंगे, राधा के हाथ पर मेहंदी लगेगी, राधा दुल्हन बनकर डोली में बैठेगी, अभी डोली को कार उठाएंगे। ओ बापरे बाप, मां बापरे बाप, राधा तुम जाओ जल्दी। अरे ओ राधा, अरे साहब यहाँ क्या ढूंढ रहा है? कुछ नहीं चाहती, जरा चिकनी मिट्टी देख रहा था। चिकनी मिट्टी? अरे चिकनी मिट्टी यहाँ क्या? चिकनी मिट्टी तो नदिया किनारे। तुम ठीक कहती हो चाची, यहाँ तो पत्थर ही पत्थर है। अरे साहब मिठाई तो बहुत अच्छी लाई। ने खाई चाची? अरे खाई क्या, जरा सी चखी थी। और खाने का हाजमा कहाँ रहा? हाँ हाजमा खराब हो गया चाची। मेरी चूड़िया तो नहीं लाया होगा? चूड़िया? अरे भूल सकता हूँ चाची कभी। जैकेट क्यों ऐसा फेंक दिया? कुछ नहीं चाची, जरा भीग गई थी, सुखा रहा हूँ। अरे कपड़ों के नीचे क्या है? वो छोटी सी बकरी है चाची, बहुत छोटी सी बकरी। तुम्हारे घर में तो गाय भैंस इतनी है, ये बकरी कहाँ से उठा लाई? शहर से ले आया हूँ चाची, ले चूड़िया ले चूड़िया। हाँ हाँ, बड़ी अच्छी चूड़िया है। अच्छी है ना? कितने पैसे? पैसे की क्या बात है चाची, पैसे तो लेने ही पड़ेंगे, मैं करके मंगवाई है ना। सर मत लेना, बीमार पड़ोगे तो वैद्य से दवाई ले आना मुफ्त। ये बात ठीक है चाची। अरे सो जा क्या, तो कैसी है बकरी? ना ना चाची, समय खराब हो रही है, भाग जाएगी। अरे भाग जाएगी तो क्या, शेर थोड़ा ही है, बकरी ही तो है। नहीं चाची, चाची भाग जाएगी। अरे अरे आज तो मैं तेरे नाले तोड़ दूँगी। चल जा। Thank you.
काम करिए जरा। बच्चे गलत रास्ते पर चलते हैं तो उन्हें कड़ी से कड़ी सजा भी दे सकती हूँ। अब मैं जब तक तेरा ब्याह ना हो जाए तुझे घर से बाहर नहीं जाने दूँ, नहीं जाने दूँ, नहीं जाने दूँ, नहीं जाने दूँ। हरिओम तत्सत। जपा कर जपा कर महामंत्र है नित्य, रटा कर रटा कर। जैसे जैसे पंडित जी। कल्याण हो बेटा, कल्याण हो। तो महाराज आप कहाँ से पधारे हैं? हम सात गांवते तो सब कुछ त्रिलोकीनाथ है, हम तो उनकी महिमा का गुणगान करते हैं। महाराज आप हाथ देख सकते हैं? हाथ देखकर बता सकते हैं, माथा देखकर बता सकते हैं, और कुछ न देख कर भी सब कुछ बता सकते हैं। तो फिर बताइए महाराज। बेटा तू शादी के लिए बेचैन है। आपको कैसे पता चल गया? लेकिन बेटा शादी की रेखा तेरे माथे पर डूबती जा रही है। महाराज महाराज ऐसा ना कीजिए, मैं मर जाऊंगा, तबाह हो जाऊंगा, बर्बाद हो जाऊंगा। दया कीजिए, कोई ऐसा उपाय बताइए, जंतर मंतर जादू टोना जड़ी बूटी। भगवान का नाम लो बेटा, वही बिगड़ी बनाने वाले, हम तो केवल बताने वाले हैं। अरे भाग्यवान वहां खड़ी क्या देख रही हो, संतों के सामने आओ। आजा 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 चाची, बहुत बड़ा महात्मा है, आजा। महाराज तुम्हें कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं, संत सब कुछ जानते। तुम्हें कन्या के लिए वर की आवश्यकता है ना? महाराज चाची, अरे हट मुझे नहीं। महाराज कुछ मत बोलो भाग्यवान, हम सात गांव की पदयात्रा करते आ रहे हैं, कन्या के लिए वर और वर के लिए कन्या ढूंढना ही हमारा परम कर्तव्य है। मिलाप में ही मुक्ति है भाग्यवान, हम तो तुम्हारे ही घर पधार रहे थे। महाराज मैं भी चलूं, वही मिलाप करवा दीजिएगा। शांति रख बेटा शांति रख, सब समय आने पर हो जाएगा। चलो नहीं चलो। हरे राम हरे राम। कहीं यहाँ कहाँ है? हरे राम हरे राम। ये तुमने कन्या को कैद कर रखा है, तुम ऐसे घर में एक पल भी नहीं रह सकते जहाँ कन्या को कैद रखा जाए। कैद नहीं रखा, वो भूल से पुल्ली लग गई थी। भूल से? अच्छा अच्छा। अरे आना बेटी, महाराज को प्रणाम सर। आओ आओ बैठ। लाओ जरा तुम्हारा हाथ देखूं। बड़ी भाग्यशाली लड़की, जिस घर में जाएगी उसे स्वर्ग बनाएगी। तो महाराज राधा के लिए कोई अच्छा सा लड़का बताइए। लड़का बताऊं? हाँ, खड़गपुर गांव में मुरारी नाम का सात बागीचे और छह खेतों का मालिक है। सात बागीचे छह खेत? महाराज आज ही शाम को पति पत्नी वहां पर जाओ और जाकर कहना कि संत स्वतंत्रानंद ने तुमको भेजा है। बड़े कृपा हुए महाराज, लेकिन तो अब क्या करते हैं? हम राधा को कहाँ रखेंगे? अरे राधा को मुखिया के यहाँ छोड़ जाओ ना। मुखिया के यहाँ? नहीं नहीं महाराज, ऐसे डर है
जहाँ बैर और दुश्मनी हो वहाँ संत लोग रिश्ता नहीं कराते। नहीं नहीं, हमारा कोई बैर नहीं, कोई दुश्मनी नहीं, वैसे तो मुझे अपने घर का ही आदमी है। सुनते बेटिया, तू दो दिन मुखिया के यहाँ रहना, शाम से बिल्कुल बात नहीं करना, हम दो दिन खड़गपुर होकर आते हैं। चलिए महाराज। नहीं नहीं, तुम चलो, हम यजमानों के मोटर में आ जाएंगे, संतों को एक गांव की पदयात्रा भी और करनी है, तुमसे पहले पहुंच जाएंगे। चलो। अच्छा 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 बेटी, हम दो ही दिन में लौट आएंगे, चिंता मत करना रानी बिटिया। अच्छा अच्छा महाराज, तुम मेरे साथ आओ, 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 आओ देवी, आओ। क्या बात है देवी, तुम क्यों होने लगी हो लाल पीली? आपको किसने बुलाया था? बड़े कन्या के लिए वर ढूंढने वाले, मुझे नहीं करनी है शादी। समझा समझा, मन मंदिर में किसी को बसा लिया है, किसी से प्रेम करने लगी हो। चुप रहो, ढूंढी कहीं का। हम योगी हैं देवी, हमने तेरे दिल की बात जान ली है, जिससे तू प्रेम करती है वो इस वक्त यही कहीं पर है, अगर तुम कहो तो हम उसे तुम्हारे सामने लाकर खड़ा कर दें। बड़े आए अंतर्यामी, सामने खड़ा कर दें, बगला भगत मक्कार कहीं। संतों का इम्तिहान लेना चाहती हो तो जरा आंखें बंद करो और अभी अपने प्रेमी को अपने सामने पाओगी। चले जाओ यहाँ से, जाता है या नहीं? हमसे जाने के लिए कहती हो देवी? अरे यही समय तो है प्रेम करने का। अरे शाम तो, शाम के बच्चे। देखा, राधा को पाने के लिए शाम को न जाने कितने कितने भेष बदलने पड़ते हैं। जा, अभी देखता हूँ। डॉक्टर भाई कौन हो तुम? डॉक्टर भाई की चाचा जी है, आपने मुझे पहचाना नहीं? नहीं। अजीब बात है, मैं रेलू आज से 24 साल पहले मुखिया के साथ एक बीमार बच्चा लेके आया था और डॉक्टर ने कहा था कि ये सेठ जी का है। अरे तो 24 साल पहले आया था, अब यहाँ क्या करने आया? वो बच्चा तो मर चुका है। अजीब बात है चाचा जी, वो बच्चा जिंदा है। वो बच्चा जिंदा है? अगर वो बच्चा जिंदा है तो मैं तुझे पुलिस के हवाले कर दूंगा, मैं तुझे जेल भिजवा दूंगा। अजीब बात है, अगर वो जिंदा है तो मुझे जेल भिजवा देंगे, पुलिस में दे देंगे। हाँ तो फिर वो मर गया, बिल्कुल मर गया चाचा जी, बिल्कुल मर गया। सुन सुन तो सही, मैं भी मर गया चाचा जी। बड़ी मुसीबत है, एक उलझन सुलझाता हूँ तो दूसरी उलझन सामने खड़ी हो जाती है। बात क्या है, क्या और रुपए चाहिए? नहीं 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 नहीं, रुपए रुपए की कोई बात नहीं। मैंने कहा मेरा दिल धड़क रहा है, मैं घबरा रहा हूँ, ना मालूम क्या होने वाला है। आखिर बात क्या है? आसमान फट गया है, पहाड़ टूट पड़ा है, मैंने कहा मुन्ना जिंदा है। क्या कहा? मुन्ना जिंदा है सच? हाँ, ये खुश होने की बात नहीं है, मुन्ना अगर मिल गया तो तुम्हारी हुकूमत हमेशा के लिए चली जाएगी, तुम्हारा राज हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। मुझे नहीं चाहिए ऐसा राज। ऐसा ना कहो, ऐसा ना कहो। मैंने कहा मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी हुकूमत सदा के लिए कायम रहे, तुम पर किसी तरह की आंच ना आने पाए। मैंने कहा मैंने सब इंतजाम कर लिया है, चलो। ये क्या, जहर? हाँ जहर, इस जहर की दो बूंदे भगवान दास को दे दो मेनका, तुम्हारा रास्ता साफ हो जाएगा। नहीं, एक जुर्म मैं पहले ही कर चुकी हूँ, अब दूसरा जुर्म मैं हरगिज नहीं कर सकती। समझती क्यों नहीं मेनका, तुम समझती क्यों नहीं, तुम्हारे सिवाय मेरा दुनिया में है कौन? मैं जो कुछ भी सोचता हूँ तुम्हारी बेहतरी के लिए सोचता हूँ, तुम्हारी भलाई के लिए सोचता हूँ। नहीं, हरगिज नहीं। अच्छा तो फेंक दो, फेंक दो इसे, फेंक दो। रूपा, आज मेरी खुशी की इम्तिहान है, मेरे दिल की सब मुरादें पूरी हो गई हैं, अब तुम हमेशा के लिए मेरी बन गई हो। Thank you.
साहब, साहब बुलाते हैं। मेनका, मुझे तुमसे जरूरी बात कहना है। मैं रूपा को गोद ले रहा हूं, मुझे उम्मीद है कि तुम्हें भी कोई एतराज नहीं होगा। आप मेरे गले पर छुरी चलाकर मुझसे पूछ रहे हैं कि दर्द तो नहीं हो रहा? क्या मतलब? मतलब ये कि आप मेरा हक छीन कर किसी और को देना चाहते हैं। रूपा इस घर में हरगिज़ नहीं आता। मेनका, मैंने तुम्हें अपना हमदर्द समझ कर सलाह दी थी, वरना मुझे तुम्हारी राय की कोई जरूरत नहीं। मैं रूपा को अपनी बेटी बनाऊंगा, भले ही तुम उसे अपनी बेटी समझो या ना समझो। मैं उसे कभी अपनी बेटी नहीं समझ सकती। अगर मुन्ना भी होता तो शायद तुम उसे भी अपना बेटा ना समझती। मुन्ने की और बात है, वो आपका बेटा है, लेकिन रूपा और आपके दरमियान कोई और ही रिश्ता है। दुनिया की आंखों में धूल झोंकने के लिए आप उसे गोद लेने का खेल खेल रहे हैं। सेठ जी के लिए सिर्फ दूध लाया है, फल नहीं लाया। जा फल ला जाके चल। हाँ छोड़ दे, रख दे। जी, ये आप क्या कर रहे हैं? तुम्हारा भविष्य सुधार रहा हूँ। जो हाथ तुम पर उठा उसे मैं हमेशा के लिए काट देना चाहता हूँ। नहीं नहीं, मैं ऐसा आपको कभी नहीं करूँगा। नौकर आ रहा है। अरे ले जा, सब ले जा, सेठ जी को पिला दे जल्दी से। हट जाओ मेरे रास्ते से। मैं ये कभी नहीं देख सकती कोई मेरे पति को जहर दे। बेटिया खामोश, मैं ये शब्द सुनने भी पाप समझती हूँ। आप मेरी बात की जगह है और आप मेरी मां का संदूर मिटा रहे हैं। हट जाओ मेरे रास्ते से, मैं कहती हूँ हट जाओ मेरे रास्ते से। मेनका, 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 बेटिया क्या है? बार बार तुम्हें तकलीफ देना पड़ती है, जरूरतों ने मजबूर कर दिया मुझे। ये चेकबुक है, मुझे जरा रुपयों की जरूरत है। देखिए चाचा जी, अब आप मुझसे और किसी किस्म की उम्मीद मत रखिए। मुझे इतना मजबूर मत कीजिए, इतना मत सताइए कि मैं आपकी बेइज्जत हूँ। बेटिया, मैंने जो कुछ लिया है मैं तुम्हें वापस कर दूंगा। मुझे ना तो वो वापस ही चाहिए और ना और। बेटिया पागल ना बनो, भला सोचो तो सही। मुझ जैसे बाइज्जत रिश्तेदार जो अपनी बहू बेटियों से इस तरह की मामूली मरा। खबरदार, जो आपने मुझे इस नाम से पुकारा है, मुझे आपसे और आपसे ज्यादा आपकी हरकतों से नफरत है, सख्त नफरत है। बेटिया बस बस, चले जाइए यहाँ से, मेरी जिंदगी से, मेरी नजरों के सामने से। मैं आपकी सूरत तक देखना नहीं चाहती। चले जाइए यहाँ से, चले जाइए यहाँ से। अच्छा पंडित जी, अपनी तो लुटिया डूब गई। क्यों, क्या हुआ? अजीब बात, पूछते हो क्या हुआ? अजी ये पूछो क्या नहीं हुआ। राधा श्याम के घर रहने को चली गई। राधे श्याम, राधे श्याम। और वो राधा पहलवान की लड़की, वो भी परदेश चली गई। हे राम, अब शिकायत करूं तो किससे करूं? चलो अच्छा ही हुआ परदेश चली गई, वो तो तेरे साथ हर वक्त जूते और झाड़ू से ही बात करती थी। पंडित जी, वो जूते अच्छे थे, वो झाड़ू अच्छी थी, वो गालियां अच्छी थी। कम से कम राधा को शाम से मिलने से तो रोकती थी। पंडित जी, कोई जादू मंत्र करके उस देवी को वापस बुला लो। आ जाएगी बेटा, सबर कर। अरे सबर क्या, खास करूं? इधर सीने पर सांप लौट रहे हैं और उधर वो
श्याम के साथ हंसती है, नाचती है। फूलों के निखार है, बहार पे बहार है, आजा पसंद कहे प्यार की हो। फूलों पे निखार है, बहार पे बहार है, आजा पसंद कहे प्यार की। जीती रहो, तुम्हारे मन में सदा प्रेम की ज्योति जलती रहे, तुम्हारे नैन सदा तुम्हारे प्रेमी के हृदय को विच्छेदित करते रहे। लेकिन पंडित जी महाराज, 2 दिन बीत चुके हैं, माँ और पापा दोनों वापस आने वाले हैं। घबराओ नहीं देवी, फिर चांदनी रातों में तारों की छांव तले दो प्रेमियों का मधुर मिलन होता रहेगा। लेकिन जब माँ को पता चलेगा पंडित जी ज्योति से तुम ही हो, तो उसके गुस्से की हद में रहेगी, जानते हो? जानता हूँ देवी, जानता हूँ। अरे राम राम, जरूर वो पंडित कोई ढोंगी था, फिर से मिल जाए मुझे तो चमड़ी उधर से बताऊंगी कि मैं भी रामू पहलवान की बेटी हूँ। तू सारी दुनिया की बात में आ जाती है, सबकी सुनती है पर मेरी कभी नहीं मानती। अरे कौन सी बात नहीं सुनी तुम्हारी, मैं तो तुम्हारे लिए जान देती हूँ और तुम अपना दुश्मन समझते हो। तू मेरा मतलब नहीं समझती, मैं तो ये चाहती ताकि आंखों के सामने रहे। अरे मगर कोई लड़का तो दिखाई दे। घड़े जितना मोती आंखों के सामने और तुझे दिखाई नहीं देता। कौन है वो? श्याम। श्याम, श्याम रेडी के सिवा दुनिया में कोई लड़का मेरी लड़की के लिए तुम्हें दिखाई नहीं देता। श्याम को तुझसे ज्यादा मैं जानता हूँ राधा की माँ। बहुत बरसों पहले की बात है, गीता पर हाथ रखकर कसम खाती, लेकिन आज
बेटी के सुख के लिए, राधा के सुख के लिए। अरे ओ राधा, राधा, ओ राधा, ओ, ओ, तो यहाँ हो तुम। राधा, तेरी आजादी के दो दिन खत्म हुए, तेरी माँ और वैद्यराज जी घर पर तेरा इंतजार कर रहे हैं। बाप भी आ जाए। मैं शादी नहीं करूँ, हट, शादी नहीं करेगी। शादी तो लड़के का जीवन होता है बेटे, माँ बाप की तो यही आशा होती है कि लड़का हो तो वो कमा कर लाए और लड़की हो तो उसकी शादी हो जाए। नहीं मानी, मैं शादी नहीं करूंगी। पगली, लड़के का नाम सुनेगी तो फूली नहीं समाएगी। हाँ बेटी, मैंने अपनी राधा के लिए श्याम को चुना है। कोई दिलचस्पी नहीं रही। आज से हम अपने नए मकान में रहेंगे, जहां हम दोनों के सिवा और कोई नहीं होगा। आओ चलो। हमारे नए घर का ड्राइंग रूम और यह है बरामदा। बड़ा सुंदर है। ये सब कुछ तुम्हारे लिए है, जो चाहो वही मिलेगा। और सिर्फ इस घंटी को बजाने की देर है, जो चाहो भी हाजिर हो जाएगा। श्याम की माँ, ओ श्याम की माँ, ले भाग्यवान, रामू पहलवान की बेटी मान गई। क्या मान गई? राधा का श्याम से ब्याह। हाँ जाओ, शादी की तैयारियां करो। राधा की माँ, अरे ओ राधा की माँ। हाय जी। हाँ, ये लो देवर, पसंद है? दर्जी को यहाँ जाकर आए? अरे दर्जी, बही, हलवाई सब यहाँ से होके आ रहा हूँ। शादी का पूरा इंतजाम कर दिया है। कितने अच्छे लगेंगे मेरी राधा के हाथ में। पंडित जी, तुम यहीं ठहरो और जब मैं बुलाऊं तो आ जाना, समझे? अच्छा। कहो श्याम भैया। क्या है? किस्मत बुरी सही, तबीयत बुरी नहीं। एक हारा हुआ खिलाड़ी जीते हुए खिलाड़ी को बधाई देने आया। मुझे तेरी बधाई की जरूरत नहीं। दरअसल बात यह है कि राधा तुमसे प्यार करती है और मैं राधा को सुखी देखना चाहता हूँ, लेकिन एक भेद है। अगर वो तुझे मालूम हो गया और राधा को मालूम हो गया तो तुम दोनों का जीवन बर्बाद हो जाएगा। लगता है तू कोई नई चाल सोच के आया। यहाँ से चल। मैं जानता था कि तुम इस पर यकीन नहीं करेगा, लेकिन पंडित जी से झूठ नहीं बोलेंगे। पंडित जी, ओ पंडित जी, पंडित जी बता दो इसको, बता दो। क्या बात है पंडित जी? पंडित जी बता दो इसको कि इसका बाप कौन है। रेलू, रेलू क्या, सच्चे का बोलबाला, झूठे का मुंह काला, झिझकते क्यों, बता दो। हाँ हाँ पंडित जी, क्या बात है? रेलू क्या बकता है? भक्ता नहीं हूँ, सच कहता हूँ पंडित जी। बोलते क्यों नहीं? एक भेद है बेटा, हमने गीता पर हाथ रखकर कसम खाई थी कि किसी से न कहेंगे, लेकिन अब मजबूर करते हैं, बोलो ना। 24 बरस हो गए, एक औरत बीमारी की हालत में बच्चे को गोद में लिए गाँव के करीब आकर गिर गई और वो मर गई, और वो बच्चा तुम हो। अगर यकीन न हो तो मुखिया से जाकर के पूछ लो। न तुम्हारे बाप का पता, न तुम्हारे घर का पता, न तुम्हारे साहब का पता। बाबू क्या है बेटा, सच सच बताओ मैं किसका बेटा हूँ। ये तू क्या कहता है? जो रेलू कहता है, जो पंडित कहता है, क्या वो सच है? नहीं 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 बेटा, वो सब झूठ है, वो सब झूठ है, वो झूठ कहते हैं। तू मेरा बेटा है, तू तो हमारा बेटा है। आप लोग मुझे सच सच बता दीजिए, मेरे दिल में प्यार कभी कम न होगा। ये तू कैसी बातें कर रहा है? ये झूठ है, सब झूठ है। तू हमारा बेटा है, तू हमारा बेटा है। हाँ बेटा, हाँ। बापू इसका हाथ रखो,
बीता बहादुर कसम खाओ सच है झूठ? ये सच है बेटा, ये सच है। क्या मुखिया का बेटा नहीं किसी रईस का बेटा है, तो बहुत छोड़कर शहर जा रहा है अपने बाप से बचा रहे। शाम, तुझे मेरी रंगे हाथों की कसम शाम, गांव छोड़कर न जा, मुझे छोड़कर न जा शाम। दादा, मुझे तेरे हाथों की मेहंदी अपने खून की याद दिला रही है। मैं तुम्हें नहीं जानी दूंगी, नहीं जानी दूंगी। मैं कितने सुहाने सपने देख रही हूँ अपने आने वाले जीवन के। पल पल जिंदगी, कब तुम दूल्हा बनकर आओगे और मुझे दूल्हे में बिठा कर ले जाओगे? शाम तेरा है राधा, अगर जिंदा रहा तो जरूर वापस लौटाऊंगा, और अगर मर गया। ऐसी बातें मुझे नहीं निकालो, मुझे तो भगवान से यही प्रार्थना है कि तुम्हारे चरणों में मेरे प्राण निकले। मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी, मैं तुम्हारे पांव में अपनी बाहों की जंजीर डाल दूंगी। नहीं, मैं नहीं सुनूंगी, कुछ नहीं सुनूंगी, मेरा तुम पर पूरा अधिकार है। मैंने कब कहा तुम्हारा अधिकार नहीं है, मैं तुम्हारा हूं, मेरा जीवन तुम्हारा है। लेकिन राधा, मेरा कर्तव्य तो तुम्हारा ही है राधा, मेरी माँ ने भी तो तेरे ही तेरे हाथों में मेहंदी लगाई होगी, बड़े अरमानों से दुल्हन बनकर ससुराल में आई होगी, फिर बच्चा हुआ, कितनी तमन्नाएं रही होंगी उस बेचारे के दिल में, लेकिन जालिमों ने उसे घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया, घर ही नहीं राधा, संसार छोड़ने पर मजबूर कर दिया। तुझे तेरे प्यार की पसंद है राधा, राधा तुझे मेरी पसंद है, तुझे मेरे प्यार की पसंद है राधा। अब तुम कहाँ जा रहे हो? मैं शहर जा रहा हूँ, न जाने शाम गुस्से में कुछ कर बैठे। हाँ, जल्दी से जाओ और उसे मना के ले आओ। फरमाइए रानी साहिबा, क्या हुक्म? ये क्या मजाक है, सब नौकर चाकर कहाँ हैं? बस अब तो एक ही नौकर है जिसने जिंदगी भर सेवा करने की कसम खाई। फरमाइए। मुझे सब प्यास लगी है। अभी लाया? हाँ, पानी के साथ साथ नाश्ता भी हाजिर किया जाए। ये क्या? हीरे मोती, चांदी, सोना, जवाहरात, सभी तो आपकी मनपसंद की चीजें हैं। लेकिन मुझे तो प्यास लगी है, मुझे भूख लगी है। भूख तो कभी मिटती नहीं और प्यास कभी पुछती नहीं। क्या मतलब? मैं तो सब कुछ वही दे रहा हूँ जो आपको सबसे ज्यादा प्यारा है, घर की इज्जत, मान मर्यादा, यहाँ तक के पति के जीवन से भी ज्यादा प्यारा है। जो आप किस बात का बदला ले रहे हैं? मैं तो पति का फर्ज अदा कर रहा हूँ, तुम्हारी हर ख्वाहिश को पूरा कर रहा हूँ। तुम्हें प्यारा है रुपया, दौलत, सोना चांदी, अब तुम्हें इसके सिवा कुछ नहीं मिलेगा। लो, उठाओ, उठाओ। मुझे प्यास लगी है, अगर तुम मुझे पानी नहीं देते तो मैं फुवारे का पानी पी लूंगी। ठहरो, अब तुम बाहर नहीं जा सकती, तुम्हें ऐसी चार दीवारी में रहना होगा, समझी? मधु, तुम्हारा पेट कहाँ है? वो नए घर में रहते। नया घर? नया घर कौन सा? आप देखिए, मैं रूपा देवी को फोन करता हूँ, वो ले जाएंगे आपको नए घर में। कौन है तुम?
मैं श्याम का बाप हूँ, मेरा बेटा। श्याम? कौन श्याम? सेठ भगवान दास का लड़का। उसे इस बात का पता चल गया है, घर से बाप से बदला लेने के लिए निकला है। उससे मैंने जाने क्या कर बैठे, मेहरबानी करके मुझे सेठ भगवान दास का पता बता दी। देखो माधव, शाम को तुमको नहीं जाने नहीं देना, मैं अभी आई। आप देखिए, अभी रूपा भी आ जाएंगे। अब मेरी ख्याल से रूपा दीदी आ गई। चलिए आप यहाँ बैठिए, मैं बुलाता हूँ। आओ बेटा, चलो घर चलो। देखो भाई, तुम्हें शेर जी से मिलना है ना। जी चलो आप बैठ जाओ। शाम बैठ। मैं तो सेठ भगवान दास जी से मिलने। हाँ हाँ, मैं सेठ भगवान दास जी से मिलवा दूंगा तुम्हें। देखो बच्चा है बेकार की जल्दी कर रहा है। देखो बड़े मियाँ, तुम मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें तरकीब बताता हूँ। देखो किस्सा यूँ है, देखो ऐ सुनो, ऐसा करेंगे। रूपा देवी, शाम को तो बाकी लाल जी हो गए। उन्होंने कहा सेठ जी की लाल करता हूँ। लेकिन सेठी के नए मकान का तुम्हें पता ही नहीं। आओ मधु, मेरे साथ चलो। चलो चलो सारा, जल्दी चलो। याद में आप अब तक तड़प रहे हैं, वो आपका बेटा जिंदा है। मेरा नन्हा जिंदा है? जी हाँ जिंदा है। कहाँ है वो? कहाँ है मेरा बेटा? मैं नहीं बताऊंगी, हरगिज नहीं बताऊंगी। अमेरिका? औरत हो, औरत के पास माँ का दिल होता है। मैं औरत नहीं हूँ, मैं दाई हूँ। मनिका, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, विनती करता हूँ, मुझे मेरा मना दे दो। तुमने जो कुछ किया मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। मनिका, मैंने कौन सा गुनाह किया है जो आप मुझे माफ कर देंगे? मैं बेगुनाह हूँ। मैं तो अपने चाचा के हाथों कठपुतली की तरह नाच रही थी। दूध में जहर भी उन्हीं ने मिलाया था, बल्कि वक्त पर पहुंचकर मैंने दूध गिरा दिया, पर आपकी जान बचा ली। तुम कहेगी तो मैं जहर भी खा लूंगा, लेकिन एक बार मुझे मेरा मुन्ना मिला दो। आपकी बीवी, आपका मुन्ना, उनके खो जाने की वजह भी मेरी चाचा ही है। जिस रात वो दोनों खो गए थे, उस रात चाचा जी कह रहे थे कि अब आपकी बीवी सिर्फ चंद दिनों की मेहमान है, और उसके बाद वो मुन्ने को ठिकाने लगा दिया। रुक्मणी ने तो कहा था, लेकिन मैंने यकीन नहीं किया। माँ ने बच्चे की जान बचाने के लिए कुर्बानी थी। अब तो बताओ मेरा बेटा कहाँ है? मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ कि वो जिंदा है, ये नहीं जानती कहाँ है। आपका बेटा यहाँ है अंकल। आशा, ये है आपका बेटा। मेरा बेटा श्याम? तू बेटे? बेटे पिताजी। अंकल, मैंने इसे पाला है। मैं आपका एहसानमंद हूँ अंकल। बांसीलाल तो शाम को गोली मार रहा था। गोली मार रहा था?
मैं इस न्यूज को पुलिस के हवाले कर ले जाओ उसे, ले जाओ नहीं इनका ले जाओ इसे। बेटे मेरे बेटे, यही अंजाम हम जैसों का आखिरकार होता है। जबां पर रुफ, गले में गालियों का हार होता है। पिताजी अब मुझे इजाजत दीजिए, मैं गांव जाऊंगा। ये तुम क्या कह रहे हो? बसों की शिनाख के बाद मेरे जीवन में फिर से बाहर आई है। अब मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा शाम, मैं तुम्हें अब अपनी आंखों से ओझल नहीं कर सकता। लेकिन ये कैसे हो सकता है पिताजी, मेरा जीवन तो गांव में है और वैसे भी जिन लोगों ने मुझे पाला है उनका भी तो कुछ हक है। नहीं नहीं, राधा मेरा इंतजार कर रही होगी, मुझे जाना ही चाहिए, मैं जाऊंगा पिताजी। शाम बेटे, शाम शाम अंकल, अंकल शाम शाम शाम, मुझे छोड़कर न जा, मुझे छोड़कर न जा शाम। शाम आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएगा, आप ये दवाई पी लीजिए। शाम मेरे साथ हो। एक माँ की हैसियत से तुम्हें कुछ नहीं कह सकती, लेकिन एक डॉक्टर की हैसियत से मैं तुम्हारी विनती करती हूँ। कहिए। तुम्हारे पिताजी का दिल बहुत कमजोर हो गया है, दिल का दौरा बहुत ही खतरनाक होता है, कोई दौरा भी आखिरी हो सकता है। आज तक वो बेटे के सहारे जी रहे थे, अब बेटा उन्हें मिल गया है, वो उसकी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। तुम उन्हें जाकर कह दो कि तुम हमेशा उनके पास रहोगे, वो अच्छे हो जाएंगे, जरूर अच्छे हो जाएंगे। जाओ, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूं, जाओ। बेटा मुझे अकेले छोड़कर न जाना। नहीं जाऊंगा बापू, आप ही के पास शाम। अब कभी वो धोखेबाज है, दगाबाज है, मक्कार है। खबरदार कि तुम्हें शाम को कुछ कहा, वो मेरा देवता है। पगली कहीं की, शैतान को देवता कहती है। अरे तेरा देवता तो रेलू है, रेलू बकुल। रूपा शाम को शहर की सैर करो। Thank you.
मंदिर में जकड़ दूंगा कि वो गांव फूल जाएगा। राधा, 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 पहले तो मैं तेरे रास्ते में खड़ी हो गई और मैं हट गई तो किसने दीवार बनकर खड़ी हो गई। लेकिन बेटी, मुझे विश्वास, शाम सबको फूल सकता, सारे गांव को फूल सकता है बेटी, लेकिन तुझे नहीं भूल सकता, राधा को नहीं भूल सकता, नहीं भूल सकता बेटी। आज तक वो बेटे के सहारे जी रहे थे, अब बेटा उन्हें मिल गया है, वो उसकी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। किशनाएं बजेंगी, नक्कारे बजेंगे, राधा के हाथ पर मेहंदी लगेगी, राधा तिलम बनकर डोली में बैठेगी, अभी डोले को कार उठाएंगे। मुखिया, मुखिया, सारा गांव छान मारा है मैंने, राधा कहीं दिखाई नहीं देती, तुमने कहीं देखा है? अब ये आंखें अंधी हो गई है राधा की माँ, जिसकी आंखों का नूर चला गया हो उसे क्या दिखाई देता। शायद आप लोग ये जानते होंगे कि ये पार्टी बाप बेटे के मिलाप की खुशी में है, मगर सबसे बड़ी एक और खुशी है, वो है मेरे बेटे श्याम की, मेरे अजीज दोस्त रमणीक लाल की बेटी रूपा से सगाई। पिताजी, ये आप क्या कह रहे हैं, ये आप क्या कर रहे हैं? बेटी, इसी आशा के सहारे तुम जी रहा हो, आज मेरी मनोकामना पूरी हो रही है, इसे पूरा होने से बेटे पूरा होने। नहीं, ये नहीं हो सकता, ये कभी नहीं हो सकता, ये मेरी जिंदगी का सवाल है, ये राधा की जिंदगी का सवाल है। Yeah.
होती हो इस शादी को रोकने वाली। माधव, माली, इन्हें बाहर निकाल दो। माली और माधव मुझे बाहर नहीं निकाल सकते, मेरी अर्थी ले जा सकते हैं, और वो अर्थी उस वक्त उठेगी जब ममता के सब अरमान पूरे हो जाएंगे। मैं सिसकती हुई अरमान लेकर आई हूँ, सिसकती हुई अरमान लेकर नहीं जाऊंगी। माँ घर चलो, मैं घर चलो। बेटी तेरे सुख के लिए इंसान तो क्या, अगर भगवान से लड़ना पड़े तो मैं उससे भी लड़ूंगी। शाम मेरा बेटा है, इसकी शादी मेरी मर्जी से हो। उस वक्त भी तो ये तुम्हारा बेटा, जब इसकी माँ को बीमारी की हालत में घर से निकलने पर मजबूर कर दिया था, अब ये तुम्हारा बेटा नहीं, इसका बेटा है, जिसने घर के बच्चे को अपनी औलाद की तरह 24 साल तक पाल पोस कर इतना बड़ा किया, और फिर उस अमानत को सीने पर पत्थर रखकर तुम्हारे हवाले कर दिया। मैं इनका एहसान मंद हूं, उसके बदले में जो कुछ चाहो मैं देने को तैयार हूं, जितना रुपया मांगोगे मैं दूंगा। रुपया? क्या रुपया ये तुम्हारी दुनिया में सब कुछ है? रुपए से किसी की जिंदगी खरीदना चाहते हो? किसी की हसरतें, किसी के अरमान खरीदना चाहते हो? बाबूजी, अगर रुपए से माँ की ममता और पिता का प्यार खरीदा जा सकता है तो आप मेरा मकान, जमीन सब कुछ ले लीजिए और शाम मुझे दे दीजिए। इसका ही नहीं, मेरा भी घर बार ले लो। राधा और शाम की जोड़ी बनी रहने दो, इन दोनों का बचपन एक साथ खेला है, दोनों एक साथ जवान हुए हैं, भगवान ने इन दोनों को इसलिए ही बनाया है, इन्हें एक दूसरे से जुदा न करो। बाबू, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, हाथ जोड़ती हूँ। सेठ जी, मुहूर्त का समय बीत रहा है। समय बीत रहा है, वो नहीं बीतना चाहिए। पंडित जी, आगे बढ़ो। खेलो पंडित जी, थाली मीठी दीजिए, मैं अपने हाथ से तिलक लगाऊंगी।
आज भैया दोस्त समझ कर बहन भाई के माथे पर तिलक लगा रूपा। और भाभी का हाथ अपने भाई के हाथ में देती हूँ। ये तुमने क्या किया रूपा? मैं कौन ही कुछ भी करने वाली, भगवान की यही इच्छा है अंकल। भैया भाभी अंकल से आशीर्वाद लो। आशीर्वाद दो। जीते रहो। धन्य हो बेटी, तुमने हम सब की हारी हुई बाजी दी थी। चांद को देखोगी, चांद को देखोगी, भक्ति लिखाए जादू जगाए दिल में हवाए। चांद को देखोगी।